ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उसके घर पे आती जाती थी। पहले तो इसके घर वालों ने मुझे आने जाने दिया, और जब हमारी इसकी मम्मी की मेरी पटरी मैंने दिखाई तो इसकी मम्मी ने इसको मारना चालू कर दिया। बोले कि नहीं तुम हमारे घर ही मत आया करो, इससे बात मत करा कर, ये मतलब बहुत ज़्यादा इससे टॉर्चर पना करने लग गए। तब इसे देखती रही, फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने जाना बंद कर दिया। और थोड़े बाद में इसने मुझे फ़ोन करके बोला नहीं भावना, मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते, मुझे तेरे साथ ही रहना है क्योंकि तू मेरा पूरा ख्याल रखती है, मैं हर चीज़ आगे से आगे इसको पहुंचा देती हूँ। पूछ लो आप इससे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अब कैसे करोगे जब आप एक साथ रहने लग जाओगे तो दो दिनों का खर्चा कैसे चलेगा? जैसे मैं काम करती हूँ 500 रुपये रोज के तुर्रे बनाती हूँ, वैसे ही 15,000 रुपये महीने के कमाती हूँ मैं, वैसे ही काम करूँगी। घर वालों के साथ हूँ, घर वाले मेरे साथ हैं, इसके घर वालों की तरह नहीं है मेरे घर वाले, नहीं मेरे घर वाले ने हाँ कर दी। बोलो मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, कहा कि घर आ जाओ तुम। लेकिन जब मैंने मारे माँ बाप छोड़ दिए तो इसको भी इसके माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे, फिर क्या करोगे आप? कोई बात हम एक साथ रह लेंगे। कई जब इसके माँ बाप रो रहे हैं तो भी इसने छोड़े ना इसके माँ बाप, तो मेरे को भी छोड़ने तो पड़ेंगे ही ना। अब मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती, मैंने वादा करा इससे कि नहीं मैं छोड़ूंगी इसको, तो मैं नहीं छोड़ सकती उसको। ऐसे क्या कारण हुए जो इतना गहन प्यार हो गया? अरे हम एक दोस्त की तरह थे पहले, और हम दोनों से ना फ़ोन पर बात होने देती थी, इससे बात करती थी, तो मेरा रोड पर आना जाना बंद था, इसलिए फिर हमने सोचा पूरे मोहल्ले में कह रखा था कि जब भी ये लोग बात करें तो है ना। एक मिनट आपसे होगी ना जी। पूरे मोहल्ले में कह रखा था ये अगर किसी से बात करे, भावना से बात करे, तो हमें घर पे आके बताया जाए, और मेरा घर से आना जाना बंद था, इससे फ़ोन पे बात करना बंद था, इसलिए ये मेरे बगैर नहीं रह सकती थी और मैं इसकी बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए हम एक साथ हैं। नहीं तो कोई लड़का ना चुनकर आपने लड़की चुनी, ऐसा क्यों? जरूरी थोड़ी होता है, जब इसके माँ बाप मर जाते वो लड़की एक हो शादी, तो जरूरी थोड़ी करना, बिना शादी के रहेंगे आप एक साथ? जी जी। इनके घर वालों ने इनको वापस बुला लिया कि इनके साथ इनके घर पर रहेंगे आप? अगर वो रखना चाहेंगे तो हम रह सकते हैं, और अगर वो नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, अलग ही रह लेंगे। जी अच्छा, देखिए दो लड़कियों का परिवार हमें प्राप्त हुआ है, हमने इनको जरिए टेलीफोन बुलाया थाने पर, दोनों ही बालिग हैं और दोनों ही घर पर नहीं रहना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं। तो हमने इनके माँ बाप को बुला करके उनसे समझाइश की है, एक ने आरोप लगाया कि भाई मारपीट करते हैं, तो ऐसा पिताजी ने उनका नहीं बोला है कि वो मेरे साथ कोई मारपीट नहीं करते हैं। तो अब दोनों बालक हैं तो दोनों अलग रहना चाहती हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी परेशानी नहीं है, माँ बाप को भी दिक्कत नहीं है। क्या प्यार करती दोनों बताएंगे प्यार से? देखो दोनों लड़की हैं, दोनों बता रही हैं कि हम दोनों गहरे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं।